मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, आज हम पाठ आठ शाम एक किसान के पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसानों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि अगर किसान अन्न उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। किसान, आप सभी जानते हैं ना, किसान लोग हमारे अन्न साग सब्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ चीज़ें मशीनों से बन रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जब तक खेती में उत्पन्न नहीं होंगी तो वो हमारे तक नहीं पहुँचेंगी। जैसे अनाज है, अनाज का कोई अल्टरनेट नहीं है। सब्जियां हैं, फल हैं, उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये सब किसान हमारे लिए रात दिन खेतों में मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें इन सब चीज़ की प्राप्ति होती है। किसान धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी कुछ नहीं देखते, रात दिन अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। उनकी मेहनत के फल स्वरूप ही हम लोग भरपेट भोजन खा सकते हैं। तो इस पाठ में किसान के शाम का वर्णन किया गया है। चलिए, पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में जान लें। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसे और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस पाठ में यही सब बताया गया। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कहने का तात्पर्य है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ जो है वो ऐसा लग रहा है कि आकाश का साफा बांधा हुआ है, कि पहाड़ को देख के ऐसा लग रहा है किसान बैठा है, उसने अपने सर पे आकाश का साफा बांधा हुआ है। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, और जो उसके पास से नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे उसके घुटनों पर पड़ी हुई सफ़ेद चादर है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास में पलाश के लाल लाल खिले हुए फूल अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गल्ले सा, और अंधकार दूर पूर्व में ऐसा लग रहा है कि भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर, इस शांत वातावरण के बीच में मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बोल रहा हो कि सुनते हो। चिलम आंधी, धुआं उठा, जो चिलम है वो जलती हुई चिलम वो उलट गई है, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सूरज डूब गया है और अंधेरा छा गया है। बेटा, आइए हम इस पाठ का भावार्थ लिख कर इस पाठ को समझते हैं। भावार्थ पहले हम लेंगे, आकाश गल्ले सा, संदर्भ। संदर्भ के बारे में आप जानते हैं, संदर्भ में क्या लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग दो के पाठ आठ शाम एक किसान से ली गई हैं। इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। ठीक है,
चलिए प्रसंग से लिखते हैं। संदर्भ सभी बच्चों को पता है कि कैसे लिखना है। प्रसंग, इन काव्य पंक्तियों में जाड़े की एक शाम का वर्णन किया गया है। भावार्थ, कवि जाड़े कवि जाड़े की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे बैठा हुआ कोई किसान बैठा हुआ कोई किसान हो और उसके सिर पर साफा है, उसके सिर पर साफा बंधा हुआ है, साफा बंधा हो अर्थात पहाड़ के सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती नदी उस पहाड़ के सिर पर उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जलती हुई अंगीठी
जैसे लग रहे हैं पूरा की दिशा में क्षितिज पूर्व की दिशा में क्षितिज। क्षितिज का मतलब आप लोग जानते हैं ना, धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान। क्षितिज पर अंधकार गहराया गहराता जा रहा है, गहराता जा रहा है जो सिमट कर, जो सिमट कर, जो सिमट कर बैठी हुई, सिमट कर भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में अस्त होने जाता सूरज चिलम पर रखी, चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रहा है, चारों और वातावरण में शांति छाई हुई है, भी छाई हुई है। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ लेंगे। अचानक लास्ट में छा गया, संदर्भ पूर्ववत रहता है, संदर्भ एक ही बार लिखा जाता है क्योंकि संदर्भ में वही पाठ का नाम आएगा। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग, कवि ने इन पंक्तियों में जाड़े की शाम का, जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटना में बदलने का वर्णन किया है। भावार्थ, कवि कहता है कि जाड़े की शाम में
में चारों ओर शांति व्याप्त है, तभी मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुन रहे हो। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आता है। सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है। चिलम एक और उलट जाती है, चिलम उलटते ही जलती आग बुझने लगती है, धुआं भी उठने लगता है, डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है, शाम ढल गई और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ का भावार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। कार्य बहुत साफ और सुथरा होना चाहिए और कार्य सही तरीके से होना चाहिए। और कार्य करते समय एक बात का ध्यान रखा कीजिए कि जब आप लिख रहे हैं तो उसे पढ़ें भी। कुछ बच्चे लिखते हैं और उसे पढ़ते नहीं हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप लिखते समय पढ़ भी रहे हो तो आपको कंठस्थ हो जाता है। इसलिए पाठ को और इस पाठ को आप पुनः घर पर पढ़ेंगे, पाठ क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे और गूगल मीट अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए और अपना काम टाइम पर सबमिट कीजिए ताकि आप भी 100% अटेंडेंस पाने के हकदार बन सकें। ठीक है।